गुड मॉर्निंग फन स्क्वाड, वेलकम बैक। ये चेक करो, ये मत सोचना मैंने दुकान लगा ली है। रीमा के पास डेली पता नहीं क्या क्या ब्रांड्स आते रहते हैं एंडोर्समेंट के लिए। और यहाँ पे ये भैया दुकान लगाई है यहाँ पे, है ये क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, ये क्या चक्कर है? इतना सारे रोज प्रोडक्ट की जो आती है, क्या सीन है ये? Is there a market up there? Is this is kind of a store? I'm not telling them the reality. You've actually taken it from my room, that was mine and you're not supposed to keep it in your room. मैंने यूज़ भी नहीं किया ना, मैंने उसको खोला है। बट यार ये है कि रीमा का जो सामान आता है, अभी मैं लास्ट भी कल या परसों क्या वो सीरम ट्राई किया था एंड एक हर्बल चेन्नई से, हर्बल नहीं, व्हाट वाज इट दैट ऑयल व्हिच जो आपने कराया था मेरे को, वो भी कुछ वो था ना, बड़ा ही थिक यार, बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का हेयर ऑयल था, वो भी बढ़िया है। तो आते रहो, सामान भेजते रहो, हम ट्राई करते रहेंगे। हाँ, यहाँ से वहाँ खुद ही लेके जाते रहो, फिर उनसे पूछो कि इतने सारे सामान कैसे पड़ा है यहाँ पे। मौसम बढ़िया हो गया, बारिश हो गई है कमाल की, और आज मेरा जो शूट है मुझे लग रहा है वो लेट होने वाला है, उसको टाइम पे पहुँचेगा नहीं, क्यों? अगर दिल्ली में फंसे होंगे सारे तो। YouTube ये तो ठीक है, तेरे बालों का क्या हाल बना है यार? आज कटवा ये लाइक अनिल कपूर। तो बड़ी वाली लाइटें जो है वो मैंने ऊपर कर दिया, आज हम शूट कर रहे हैं छोटी से, ये वाला छोटी वाली भी बढ़िया यार, पोर्टेबल बढ़िया रहती है, पीछे लगा। इट कम्स टू वीडियो, हम रोज लाइटिंग के साथ कुछ ना कुछ छेड़ाछानी करते रहते, और ये एक्चुअली अच्छा लग रहा है अशोक। वो जो दो लाइटें साइड में लगाते हैं वो भी चलो फिर बढ़िया, बट एक सिंगल पीछे जो स्पॉट बन के आता ना, ये बहुत, ये देखो जब मैं ऐसे बैठूंगा तो ये कुछ ऐसे टाइप से मेरे पीछे बन के आया, व्हिच इज नॉट बैड। फटाफट शूट कर लेते हैं, चलो। इट्स सच अ नाइस वेदर ऊपर, प्रॉपर रेन, फुल रेन, सब भीग रहा होगा ऊपर, क्या करो? चाय पीते, बस एक रील बना रहा हूं फटाफट, एक बार ये शूट हो जाए वो इतनी गर्मी में बैठे हो, पसीना पसीना यार, एक बाहर पर शूट हो रहा है, दो मिनट बस, खिड़की खोल दो, बाहर का फील आ जाएगा। प्लीज यार एक चीकी करके फिर चाय। अशोक तुमने देखा बाहर का वेदर? अशोक कह रहा है मेरे को भी चाय पीने दो, ले चलो मुझे ऊपर बाहर। आई नहीं बोल रहा, अशोक के बाल देख के ना मुझे घबराहट हो रही है, अशोक करना क्या चाह रहा है? वाओ अमेजिंग वेदर, लुक एट द वेदर, सडन चेंज एकदम से, सब ठंडा ठंडा, इतना अच्छे से लगा, अमेजिंग फील है वेदर का। You need to come up. अच्छा प्रॉब्लम क्या रहती है, हम इसको सेट करके रखते हैं पीछे रहता है, जैसे ही बारिश होती है सब कुछ भगा के आगे लेके आना पड़ता है ताकि वो पानी से बच जाए। ये ग्रामोफोन जितने जिस हिसाब से तुमने सेट किया हुआ है ना, ये पानी पीता है रोज, यू शुड नॉट बी देयर। ये नहीं, ये नीचे वाला बॉक्स पिघल, वो गल जाएगा, अरे गल जाएगा, गल जाएगा। पैकअप हो गया, और यार आज के क्लाइंट वाज सो स्वीट, शी हैड कम स्पेशली फ्रॉम बॉम्बे, सुबह की फ्लाइट ली, आए शूट की, और अभी शी इज गॉन बैक। बहुत ही प्यार से ये मिठाई का डब्बा, स्पेशली वहाँ के कोई फेमस है, कच्चो मल रीमा, तो ये बॉम्बे से आया है हमारे लिए, ये इसकी मिठाई, छोड़ो आओ मैं तुम्हें मिठाई दिखाता हूँ। अभी मैंने इसमें से एक बखलावा तो खा लिया है, बिकॉज चीटिंग अब हो गई होगी, आज मेरा बॉम्बे की स्पेशल मिठाई आई है। तो रीमा कौन सा खाने वाली हो तुम, उनो कौन सा खाएगा बेबी? अभी वो नहीं देखना हमारा, the art and the artist, no tapping na, so sit down karo, you know why I'm here, kyun, why is she here, she's already made her agenda, isn't it obvious, agar ek sweet khayegi to fir leke dega, ha usko nahi do sara, ha khao jaldi se, fir hum sara ke liye aaj leke aayenge half skateboard, half mithai khaiye to aadha leke aate hain, पूरा नहीं आएगा। On our way, Decathlon, जहाँ से सारा स्पोर्ट्स का हम लोग रेगुलर सामान लेते हैं, और आज सायरा का गिफ्ट ड्यू था, बहुत टाइम से शी वांटेड टू हैव हर ओन स्केटबोर्ड, जो कि पैसे वेस्ट होने वाले नहीं। आज आपको लग रहा है तो पहले YouTube फैमिली वाले हमारे नीचे कमेंट करके बता देंगे कि चलाना बिल्कुल नहीं है, जैसे साइकिल धक्के खा रही है वैसे स्केटबोर्ड भी धक्के खा रही है। एक दिन साइकिल के दो साल में, रीमा यू थिंक चलेगा स्केटबोर्ड की नहीं? कम है ना, मैंने मना भी किया था, ये मम्मा होती है ना, मम्मा को ब्लैकमेल करके ले लिया है, मैंने तो मना किया मत लो। बट यार ये मॉल जो था, इट यूज्ड टू बी द ओनली मॉल नोएडा का, जहाँ पे सारे लोग आते थे जीआईपी, और डीएलएफ आने के बाद सारा का सारा मॉल खाली। ये है वो और भी जो हम लेते हैं, और ये सीधा जो है मॉल ऑफ इंडिया में वहाँ पे कनेक्ट करता है, ये हम वॉक करते करते जाएंगे अगर ये लेट लतीफ टाइम पे आएंगे तो। मैं स्कूल में था, मैं भी स्केटबोर्ड लेके आया था, मेरे पास भी था, तो अलग बात है वही, जस्ट लाइक सायरा जो मैं बोल रहा हूँ होने वाला है, थोड़े दिन मैंने किया और उसके बाद वो नहीं चला, और वालों को भी पता था, हम आ गए, उन्होंने ये बंद कर दिया स्टेयरकेस, बस ये रहा डीकैथलॉन, हमने कल देखा था वहाँ सेक्शन में सारे स्केटबोर्ड लगे हुए हैं, तो मैंने देखा था कल स्केटबोर्ड का सेक्शन यहाँ पे, तो ये सारे ऑप्शन हैं जो सारा के आप देख सकते हो स्केटबोर्ड के, ये सब टाइम वेस्ट है, सब टाइम वेस्ट है, स्केट्स एंड स्केटबोर्ड इज टोटली डिफरेंट। सारा छोटू यू कैन टेक दिस वन, ऐसा फ्लोरिंग करवा ले फिर स्टूडियो में,
जल्दी 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 ऊपर चले जाए तो यहाँ पे जीवन भैया ने सारा को सिखा दिया थोड़ा बहुत करने के लिए और अब सारा पहले से बेटर हो गया है। सारा अभी भी सोच लो लेना नहीं लेना तो बच्चों वाले पे चढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है बच्चों वाले पे चढ़ जाओ बेचारों बच्चों का तुम काम खराब कर दो चलो बेटर ठीक पीछे वाला पाओ अरे मम्मा कहाँ थी भैया ने जैसे दिखाया था यार अब देखो अगर लेना तो खुद ही करोगे ना मम्मा थोड़ी जाएंगी साथ में यार देखो लेकिन हमारे टाइम पे जो स्केटबोर्ड होते थे अलग होते थे अब जो है इतने अच्छे अच्छे डिजाइन जो रहते हैं अच्छे अच्छे पैटर्न जो है स्केटबोर्ड के आ गए देखो कितना अच्छा आर्ट हुआ है अमेजिंग है ना अभी आई थिंक वी शुड गो फॉर द बिगनर वन जो कि ये वाला है क्योंकि पता नहीं इसके बाद ये चलाएगी नहीं चलाएगी 15 दिन का शौक है ख़राब हो जाएगा बड़ा रहेगा फिर तो मैं अपने फोटोशूट पे यूज कर लूंगा आई थिंक दैट्स द बेस्ट आई कैन डू पापा गिरने वाले ना सही है बचपन की कुछ यादें सोचो यू तो हैड योर स्केट चाइल्डहुड उसको तो पहली बार स्केट मिले तो भी वो कर गई स्केटबोर्ड तभी तो भी वो कर गई प्राउड ऑफ यू गर्ल प्राउड ऑफ यू यस यू कैन डू इट ओके हाई फाइव ओके लो फाइव ओके अप फाइव शी सो एंजॉयस विद हर स्केटबोर्ड ए गिरे 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 थैंक गॉड आई एम हियर मैं सोच रहा था पैसे बच जाएंगे पहले एक छोटा वाला ले लेते हैं और जो लोएस्ट प्राइस है इनका 1599 में देख के खुश हो गया 1599 पता चला बच्चों का है हेलो ये 1599 बच्चों का है इससे हमारा कुछ नहीं होएगा थॉट के 2599 वाला ले लेते हैं फिर वहाँ से ये जो हमारे एक्सपर्ट थे जीवन भाई ने बोला कि ये छोटे बच्चों के लिए और एक्चुअली जब मैंने इस पर पढ़ा ये 3-7 वालों के लिए है सो इनिशियली जो हमको लेना पड़ेगा नहीं ये भी नहीं है हमको ये लेना पड़ेगा जो सायरा चला रही है ये 6 वाला हाँ ये वाला चला रही है हाँ नहीं नहीं दिस इज़ गुड ये ठीक है एडल्ट के लिए है ना ये लिखा हुआ फॉर एडल्ट एडल्ट शो 1 2 एंड गो नाइस ये इसके सर के लिए बहुत छोटा है नहीं पूरा है कैसे पूरा अब दूसरा कोकोनट छोड़ने लगा रहा है टी नीज़ द बिगर साइज आई गेस है ना ये वाला देखो क्योंकि यही हाईलाइट होती भी जाएगी भाई थैंक यू वंस अगेन आपको हेलमेट के लिए भी हमने पकड़ लिया बड़े ज़्यादा खुला तो नहीं है चलो ये ले लेते हैं ये देखो अब ये क्या सीन है जब ये डाल लेते हैं इसके बाद अगर आप इसको ऐसे करते हो तो ये पीछे लूज हो जाता है एंड फिर ये टाइट हो जाता है तुम भी डाल सकते हो सर का बचाव करना बहुत जरूरी है बिल्कुल हैप्पी गर्ल हैप्पी हैप्पी थैंक यू तो बोला नहीं इसने मम्मा पापा को थैंक यू सो मच ये लो होल्ड इट योर स्केटबोर्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सारा ने जाके पहले पता क्या करना है यू शुड लर्न ऊपर हॉल में खाली हॉल में लर्न हाउ टू बैलेंस क्यों ना बैलेंस पहले हो जाएगा अबे स्मॉल एरिया में कैसे चलाओगे रूम में हमारे एरिया में थोड़ी है वो रूम में नहीं चलेगा मेन चलना है ऊपर हॉल में प्रॉपर गियर्स डाल के पहले रूम में ये हमारा जो दोस्त है ना उनो वो भोगता रहेगा इसके ऊपर वो भोगता रहेगा इस पे एक्चुअल लेके क्या लेके आओ भाई वो उनो को बिठा के धक्का दे देंगे Uno will like Uno, we got a ride for you. Hello, Saira ka skateboard. Abhe helmet thodi daloge. No biting. Isko bitha ke le jao upar. Saira bitha ke le jao. Chalo 1 2 and go. Go. Ja Saira le jao. Arey. Saira ko aage tak le jayega apne aap. Hey. इसको लग रहा है ये क्या वाहन आ गया घर पे ये क्या चला रहा है सब ही ऑल्सो वॉन्ट्स इट इसको बिठा के सारे ग्राउंड में देते हैं वेल गाइस मैं घर आने के बाद तो सो गया था अब उठ के सोने की तैयारी है रीमा अभी सारा को सुला रही है और ये बाहर डोर के बाहर बैठा उसको लग रहा है मुझे भी जाना है तो भाई मैंने ये गलती कर ली है बट ये जब सारा सो रही होती है ना सोने नहीं देता ये बहुत नॉटी बॉय है
और फिर कभी बेड पे आ जाता है, कभी उसको तंग करता है। मजा आया यार खूब। स्केटबोर्ड तो होता ना देख के एकदम से अपना वो स्कूल टाइम वाला टाइम याद आ गया। पहला यूज टू स्केटिंग और स्केटबोर्ड लाया, बट स्केटबोर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं किया। बट यस आई होप सारा कर पाए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, नीचे लाइक कॉमेंट करके बताना। एंड विल बी बैक विद द